कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या द्वादश दीक्षांत समारंभ बुधवार दिनांक 6 मार्च 2024 रोजी दुपारी 3 वाजता कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक येथे आयोजित केला आहे। महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विश्वविद्यालयाचे कुलपती रमेश बैस हे दीक्षांत समारोहाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील। कुलगुरु प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी यांच्या विशेष उपस्थितीत संपन्न होणाऱ्या या समारोहाचे प्रमुख अतिथी या नात्याने चंद्रकांत पाटील शिक्षण मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य, विशिष्ट अतिथी म्हणून प्रल्हाद जोशी, कुलगुरु कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत व पुरातत्त्वज्ञान विश्वविद्यालय नालबारी आसाम विशेषत्वाने उपस्थित राहतील। विश्वविद्यालयाचे कुलसचिव कृष्णकुमार पांडेय, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जयवंत चौधरी, व्यवस्थापन परिषद, विद्वत परिषदेचे सदस्य, सर्व सखायांचे अधिष्ठाता आणि पदक दान दाते या प्रसंगी विशेषत्वाने उपस्थित राहतील। विश्वविद्यालय मुख्यालय हमारा रामटेक है, NIT में भी हमारा जो बारंगा परिषद का एक जो ऑफिस चल ब्रांच चल रहा है, जो हमारे दो परिसर है, बारंगा परिसर, रामटेक परिसर और उपकेंद्र एक है रत्नागिरि परिसर, 3 केंद्र हमारे संचालित हैं, जिसमें कि इस समय मुख्यालय जो हमारा है रामटेक। रामटेक में चूँकि ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि 12वां कन्वोकेशन शिरोमणि अर्थात द्वादश दीक्षांत समारोह, 12वां दीक्षांत समारोह संपादित होने जा रहा है। ये हर्ष का विषय है कि जिसमें महामहिम गवर्नर जो हमारे कुलपति होते हैं सभी विश्वविद्यालय के, हमारे भी कुलपति हैं, महामहिम राज्यपाल विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं माननीय श्री रमेश बैस जी दीक्षांत समारोह में आएंगे और ससम्मान 25 छात्रों को जो हमारे पदक लगभग 25 छात्रों को देंगे, इसमें डीलिट भी है और PhD भी है और जो हमारे जो टापर जो छात्र हैं वो जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं स्नातक UG और PG में जो भी स्टूडेंट है सबको सम्मानित करेंगे। क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि 2 वर्ष का है ये 2021-22 और 22-23 का ये दीक्षांत समारोह है, जिसमें कि टोटल 10,583 प्रमाण पत्र हम वितरित करेंगे और अभी जिसके विषय में पृथक पृथक हमने विवरण दिया, लेकिन टोटल 10,583 पदवी हम देंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानित आचार्य और चूँकि विद्वत परिषद के सदस्य और व्यवस्थापन परिषद के सदस्य सभी ने सर्वमान्य कुछ ऐसे 4-5 पदक जो है जो किसी कक्षा में छूट न जाए, सभी को कुलपति पदक जिसमें कोई दान नहीं देता है उसको जो विश्वविद्यालय की तरफ से पदक जो कुलपति पदक कहे जाते हैं, वो कुलपति माने एक तरफ से हमारे कुलगुरु पदक कहे जाते हैं और चूँकि ऐसे जो 87 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे इसमें विभिन्न विषयों में 87 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा सुअवसर है छात्रों के लिए, उत्कर्ष का महोत्सव मनाया जाता है जिसमें कि यदि कोई योग्य छात्र को हम सम्मानित करते हैं और मंच पर महामहिम के द्वारा सम्मानित किया जाता है जो हमारे कुलपति गवर्नर साहब हैं तो अत्यंत हर्षित और बच्चे उत्साहित होते हैं। जो सर्वोच्च अंक पर यदि प्राप्त किया 7 स्वर्ण पदक दिए जाते हैं तो उसे एक उसके में एक नया उत्साह आता है कि भविष्य में इस तरह का हम कार्य करें जिससे कि देश का विश्वविद्यालय का नाम तो रोशन करें, पूरे राज्य और देश का नाम रोशन करें और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा महोत्सव है जिसको हम कर रहे हैं। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर, अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज।